नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। लोकेशन जहां पे हम खड़े हैं एयरपोर्ट रोड है, बिल्कुल सामने चल रही है। इस तरफ सारा एक बार कैमरा घुमा के आपको दिखाते हैं। और ये जो रोड इस तरफ इधर अभी आपको कैमरा से दिखाई पड़ रहा है, सीधी सामने टक्कर पे जो घर हैं उनके पीछे सेक्टर 122 स्टार्ट हो जाता है। ये मोहाली का 123 सेक्टर है। तो सामने खरड़ वाला एरिया और ये मोहाली का एरिया है। अब इससे इस तरफ जो सीधी रोड जा रही है, ये चौड़ी रोड जो जा रही है सीधी 122 जा रही है, और बिल्कुल सामने यहाँ पे 122 सेक्टर है। आइए आपको 122 सेक्टर में चल के दिखाते हैं। तो अब हम 123 के डेड एंड पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद 122 सेक्टर शुरू हो जाएगा और ये 123 की जो है 100 फिट रोड इसको कहते हैं। तो आप चौड़ाई देख लीजिए कितनी है। अब यही रोड, ये जो जमीन है, यहाँ से सामने ऑटो घूम रहे हैं, यहाँ से घूम के ये चंडीगढ़ को जा रही है, चंडीगढ़ मलोआ को जा रही है। चंडीगढ़ 43 बस स्टैंड से आगे जो मंडी आती है, वो रोड सीधा वहां से होता हुआ यहाँ आ जाएगा जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और ये रोड ऐसे, वो सामने गांव मलाना है, आगे त्रौली है, फिर आगे झामपुर वाला एरिया आ जाएगा और बीच में बड़माजरा आ गया, बहलोलपुर आ गया, ये सारा वो वाला एरिया है। तो ये जो है एंड है, ये जो कोठी बनी हुई है, इसके पीछे जो घर है, ये एंड है 123 का और इसके पीछे 122 सेक्टर आ रहा है। आइए वहां तक भी आपको ले चलते हैं। यहाँ से लेना, यहाँ पूरा नंबर लेना। तो पीछे अभी आपने वो घर देखा और इस तरफ ये जो प्रोजेक्ट है, ये केबीडी सिटी ब्यूटीफुल का प्रोजेक्ट है। इसके आगे फिर सामने जो रोड जा रही है, ये बहलोलपुर जा रही है और उसके आगे फिर आपको रॉयल एस्टेट का प्रोजेक्ट मिलेगा, जो इसके बहुत सारे बोर्ड लग चुके हैं, जिनकी अभी CLU नहीं आई है और जिन्होंने कुछ ज़मीन जो है वो MRMGF से लेने की बात चल रही है, लेकिन अभी वो भी ट्रांजेक्शन्स हुई नहीं हुई हैं। और यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि जी कुछ जजेस यहाँ पे ज़मीन लेकर अपनी कॉलोनी काट रहे हैं, वो भी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ काट रहे हैं, कौन काट रहा है। तो ये बहुत सारी खबरें यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी। तो इस 122 यहाँ से जो आगे है, 122 सेक्टर है, उसके आगे फिर 43 वाली बस स्टैंड वाली जो रोड है मलोवा वाली, वो यहाँ पे ब्लास्ट में आके मिलेगी। तो इसी यहीं से वो रोड जानी है PR5, जो 43 बस स्टैंड के बिल्कुल आगे से निकलती है और वो इसी रोड पे सामने जाके PR7 से टच होगी और इधर से एक PR6 रोड भी आएगी जो कि VR पंजाब मॉल के पीछे से आएगी। तो PR6, PR5 और PR7 के बीच में यहाँ पे तीन मोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं और तीनों ही कंपनियों के जो प्रोजेक्ट हैं 25 एकड़ से ज़्यादा के हैं। इन सब में से सिर्फ CLU एक ही प्रोजेक्ट की आ रखी है, बाकी की अभी CLU नहीं आई हुई है। तो यहाँ मैक्सिमम प्री लॉन्चिंग वाले ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने प्री लॉन्चिंग में पैसे लगाने होते हैं। तो प्री लॉन्चिंग में जब आप पैसे लगाते हैं तो आपको बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि बिफोर रेरा आपको लोन नहीं मिलता है और आपको जो पैसे होते हैं वो सेल्फ फंडिंग करने पड़ते हैं। सेल्फ फंडिंग में आपका कैश पार्ट भी जाता है, बैंक से भी जाता है और बैंक के पैसे की आपको ट्रांजैक्शन की जो रिसीट मिल जाती है, लेकिन कैश के पार्ट की आपको रिसीट नहीं मिलती। तो थोड़ा सा रिस्क पार्ट होता ही है। तो जिस भी बंदे के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होता है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को कैसे आगे कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ बिल्डर हैं और जितने भी आपको रियल एस्टेट एजेंट मिलेंगे उनका किसी का भी डायरेक्ट एक्सेस बिल्डर के साथ नहीं होता है। आगे सेल्स के जो प्रोफेशनल होते हैं कंपनियों के, वही बात करते हैं और जब कभी समस्या आती है तो वो जो सेल्स वाला जो प्रोफेशनल होता है वो छोड़ के किसी और कंपनी में चला जाता है। तो अभी जिन कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, इनके जितने भी एम्प्लॉई हैं वो 5-5, 6-6 बार चेंज हो चुके हैं और हर बार आपको एक नया एम्प्लॉई मिलेगा।
तो ये सारा कुछ होने के वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी रिस्की हो जाती है, क्योंकि आपके साथ सीधा जो राबता है वो बिल्डर का, मालिक का नहीं होता है। और क्योंकि यहाँ पे कैश पार्ट भी है, और फ्यूचर में CLU आएगी कि नहीं आएगी ये क्वेश्चन मार्क रहता है, CLU कैंसिल भी हो चुकी हैं कई प्रोजेक्टों की, तो यहाँ तो नहीं हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जिसके थ्रू आप कर रहे हैं उसके उसका रसोख क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, कल को वो जो आपको इन्वेस्टमेंट करवाई है कल को वो बेचने के लायक है वो, तो बहुत से लोगों के पास बेचने की शक्ति नहीं होती है। कल को आप जब फंस जाते हैं तो हम फ़ोन करते हैं, जी सर मेरा प्लॉट बेच दो, तो जिससे लिया होता कहता है सर कस्टमर ही नहीं है, क्या करें जी, इतने का नहीं मिल रहा जी, इतने का बिक रहा है, इतने का बिक रहा है, तो वो वहाँ पे समस्या आती है। लेना बड़ा आसान होता है, आपने फ़ोन किया आपको 100 बंदे मिल जाएंगे जी मैं दिलाता हूँ मैं दिलाता हूँ मैं दिलाता हूँ, बट जब बेचना होता है तब समस्या आती है, तब उनके पास बायर नहीं होता, तब वो कहते हैं जी हो नहीं पाएगा। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट करा रखा है, और हमने बायबैक भी कर रखा है कि जब मर्जी आपका दिल करे आप हमें पैसे हमसे वापस लेकर 12% प्रॉफिट के साथ आप हमें प्लॉट वापस कर सकते हैं। तो ये बायबैक की ऑफर जो है वो कोई और नहीं देता है, बिल्डर भी नहीं देता है, हम भी देते हैं। तो जब आपने सेक्टर 122 की बात कर रहा हूँ, 3 प्रोजेक्ट हैं, तीनों का स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, आप तीनों का जो प्राइस है 48, 45, 40, 38, 36 इस रेंज के अंदर आपको पर गज के हिसाब से प्लॉट मिल जाएंगे, और रीसेल वाले मिलेंगे, डायरेक्ट बिल्डर से भी मिल जाएंगे। और इन सब के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार आप चीज़ महंगी लेते हैं लेकिन उसके साथ गारंटी वारंटी होती है, आपने एक चीज़ ली वो आपको सस्ती मिल गई लेकिन आपने पूछा इसकी कोई वारंटी है, कोई गारंटी है, बोला जी नहीं कुछ नहीं है, चाइना का माल है, आज लेके जाओ कल को पता नहीं है, तो वो सस्ता मिलता है। लेकिन जो चीज़ महंगी मिलती है उसमें साथ में गारंटी वारंटी है कि अगर कोई समस्या आ गई तो भैया कौन सुनेगा, तो अगर मेरे से ले रहे हो तो मैं सुनूंगा, किसी और से ले रहे हो तो वो सुनेगा। तो ये डिसीजन आपने लेना है कि किसके थ्रू लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, स्टॉक वही हैं, रीसेल के बंदे वही हैं। 122 सेक्टर के बारे में आज से साल पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उसके बाद भी बनाई हैं, और 122 सेक्टर में अगर मैं इंडिविजुअल अपनी बात करूं तो 100+ जो प्लॉट हैं वो मैंने सेल किए हुए हैं, और मेरे सारे इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट आ रखा है। उसमें से 5-6 लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो मैंने उनसे वापस भी खरीदे 12% प्रॉफिट के साथ। तो जिन्होंने मेरे को वापस किए हैं आप उनका भी नाम नंबर लेके वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ वापस हुए हैं कि नहीं है, ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ। तो कई बार ये भी होता है कि जी यूं ही कह रहे हैं, हमने कौन सा पूछा है, हमने कौन सा वेरीफाई किया, तो यू कैन वेरीफाई कि हमने किन से वापस खरीदे हैं और प्रॉफिट के साथ खरीदे हैं। तो ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले इंसान को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले हफ्ते भी हमने एक वीडियो डाली थी जब पैसे फंसे हुए हैं जहां बिल्डरों के पास, और ना प्लॉट बिक रहा है ना पैसे वापस आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपको भी ध्यान में रखना होगा। खरीदने के समय में अगर लालच कर लेते हैं कि वहां से 500 रुपये सस्ता मिल रहा है हम वहां ले लें, लेकिन बाद में बेचने में हमें समस्या आती है, या जो प्री लॉन्चिंग वाले प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे तो बड़े सारे रिस्क होते हैं जो बाद में कुछ सुनता नहीं है। बाकी वो एक हेलमेट की एड आती थी कि जी सेफ्टी है आपकी क्योंकि सर है आपका, तो आपकी मर्जी है हेलमेट लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है। तो हम सेक्टर 122 के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो प्लॉट हैं वो 36,000 रुपये गज से शुरू होकर 40,000 रुपये गज तक की रेंज में मिल जाएंगे। 100, 125, 150 गज के प्लॉट हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके जब मर्जी आ जाएं। इसी 123 वाली जो मेन रोड गोपाल स्वीट को जाती है वहीं हमारा ऑफिस है, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि सेफ्टी है आपकी, सर है आपका। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी, आज के इतना ही, मिलती है अगली बार एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।